हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वीवो अपनी V30 सीरीज़ का न्यू स्मार्टफोन V30e जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ लेके आ गया है। तो चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन और करते हैं मोबाइल से प्रोटेक्शन को रिमूव। ये है वीवो V30e 5G स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ है। तो चलिए कर लेते हैं मोबाइल को बूट। आज हम जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, क्या कुछ पैक किया है कंपनी ने। जब तक मोबाइल बूट होता है तब तक देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया है। बॉक्स के अंदर हमको प्रोटेक्शन के लिए कि ये ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है और साथ में मिलती है ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन और 44 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर दिया गया है। साथ में दी गई है टाइप ए टू सी केबल और एक ये सिम इजेक्टर टूल। तो चलिए इन सब को रखते हैं साइड और देखते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसके अंदर वाटर डस्ट रेसिस्टेंस IP64 दी गई है। ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। रिंग लाइट फ्लैश दी गई है। स्लिम सेट दिया गया है। इसके अंदर 179 ग्राम वेट दिया गया है। इसके अंदर सी पोर्ट मिलता है और 5500 mAh की बैटरी दी गई है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी डिस्प्ले क्लियरिटी के बारे में। इसके अंदर 6.78 इंचेस के साथ में फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसके अंदर 1300 nits पिक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले कलर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसकी कैमरा क्लियरिटी के बारे में। इसके अंदर रियर कैमरा 50 MP का दिया गया है जिसके अंदर सोनी IMX882 OIS सेंसर यूज़ किया गया है। साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में दिया गया है और इसमें स्मार्ट और लाइट का भी फीचर दिया गया है। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है और इसके अंदर 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसे वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी बेटर क्वालिटी दी गई है। एक क्लिप हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके अंदर माइक्रो मूवी का भी ऑप्शन मिलता है मल्टी स्टाइल के अंदर। और ये कुछ हमको कैमरा क्वालिटी के अंदर साथ में फीचर मिलते हैं। और इसके अंदर फ्रंट का कैमरा कंसोल कैमरा 50 MP का दिया गया है और ये एंड्रॉयड वर्जन 14 पर बेस्ड दिया गया है। फ्रंट टच ओएस 14 दिया गया है और इसके अंदर 8 GB RAM एक्सटेंड दी गई है। और अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसके दो वेरिएंट आते हैं। इसका 8 GB 128 GB 27,999 रुपये का है और इसका 8 GB 256 GB 29,999 रुपये का है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।